हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे हैं। आज फिर मेरी वीडियो एक ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट के ऊपर होने वाली है। दोस्तों, एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, फार्मेसी, जूलॉजी, बोटेनी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन और सबसे खास अल्केमी यानी केमिस्ट्री में अपने नाम का लोहा मनवाया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अबू मूसा जाबिर बिन हय्यान की। आपको यूरोप से एक नाम मिला, गेबर या जेबर, आपको इसी नाम से ज़्यादातर पुकारा गया। अबू मूसा जाबिर की पैदाइश सन 721 में ईरान के एक शहर तूस में हुई। जाबिर बिन हय्यान के सभी इन्वेंशन एक वीडियो में बल्कि ऐसी 10 वीडियो में कवर कर पाना भी बेहद मुश्किल है। इसीलिए मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आपको जाबिर बिन हय्यान की कुछ स्पेशल बुक्स पढ़ना चाहिए, जिसमें शुमार है द वर्क्स ऑफ गेबर, द सुमा परफेक्शनिस्ट ऑफ सूडो गेबर, गेबर्स फिलोसफी, परस्पिकास्मी, द अल्केमिकल वर्क्स ऑफ गेबर, गेबर्स बेस्ट राइटिंग ऑन अल्केमी। जाबिर बिन हय्यान अपने केमिकल इन्वेंशंस की बदौलत पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जाबिर बिन हय्यान ने रिटोट का इन्वेंशन किया। हमारे अजदाद अबू मूसा जाबिर ने कैल्सिनेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन जैसी इंपॉर्टेंट प्रोसेस का इन्वेंशन किया। अपने 20 से ज़्यादा केमिस्ट्री लैब इक्विपमेंट डेवलप किए और वेरियस टाइप्स के सॉल्ट्स यानी नमक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिस्टिल्ड करके आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को ईजाद किया और दोनों को कंबाइन करके आपने एक्वा रिजिया बनाकर दुनिया को दिया। आपने कई सारी थ्योरीज दी हैं, जिसमें एक थ्योरी काफ़ी मशहूर है जो जाबिरियन कॉर्पस के नाम से जानी जाती है, जिसमें आपने बताया कि सभी मेटल्स सल्फर और मर्क्यूरी से बने हैं। आपकी ये थ्योरी की वजह से आपको फादर ऑफ अल्केमी या फादर ऑफ अरब केमिस्ट्री का लकब मिला। आप पहले ऐसे थे जिसने एसिड को इन्वेंट किया और ये बताया कि कैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड की मदद से ग्लास बनाया जा सकता है। आपने कांच को रंगने का तरीका भी दिया। जाबिर बिन हय्यान प्योर मुस्लिम साइंटिस्ट थे जो अपनी ज़िंदगी में खूब इबादत किया करते थे और इल्म हासिल करते थे। आपकी पैदाइश की जगह तूस एक प्रोविंस या स्टेट खुरासान के अंदर आने वाले एक शहर का नाम है। असल में खुरासान वो लोग हैं जो ख्वारिजीन कहलाते हैं। मैं सभी खुरासान लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई ये वो लोग हैं जिनका गुजर बसर इराक के एक शहर कूफा में हुआ और कुछ लोग जो बाद में ईरान आ गए वो खुरासान में ठहरे। असल में ख्वारिजीन वो बदतरीन लोग हैं जो यजीद और शिमर के औलादे हैं, जो कूफा के गद्दार हैं। इन्हीं लोगों ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बीच जंग की सूरत पैदा की। यही हैं वो जिन्होंने अली की मासूम औलादों को कत्ल किया। दोस्तों, वाकया करबला को बयान करना इस वीडियो में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जब प्यारे हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा में आपका साथ देने के लिए, आपके ऊपर बैत करने के लिए भेजा, तो सभी कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मान ली। जब ये बात यजीद के कान तक पहुंची तो उसने इब्न ज़ियाद नामी एक मलून शख्स को भेजा और सभी कूफियों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काया और गद्दार कूफियों ने यजीद के हाथों बैत कर ली और वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई को गर्दन काटकर शहीद कर दिया। दोस्तों, ये वाकया मुख्तसर बयान करके मैंने तमहीद बांधी है। मैंने इसलिए बताया है कि यह कूफा के रहने वाले लोग जो कुछ ईरान चले गए, यह खुरासान कहलाए और आज ये दुनिया में काफ़ी कम हैं, लेकिन ये इस्लाम का लिबादा उड़कर नए नए फिरके बना रहे हैं और इस्लाम को तब्दील करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। दोस्तों, ये खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हम इनको मुसलमान नहीं मानते। इन्हीं की वजह से बरसों से शिया सुन्नी इख्तलाफात शुरू हुए हैं। दोस्तों, मैं अपने टॉपिक पर दोबारा आकर आपको यह बता दूँ कि बाद में कूफा में गद्दार लोग मौजूद तो रहे, लेकिन वहाँ मुसलमानों का बोलबाला हुआ और इल्म को फैलाया गया, रोशनास किया गया। बाद में यहाँ बहुत से मदारिस और कई सहाबा और अहलुल बैत की मज़ारें मौजूद हैं। दोस्तों, अहले तशय्यु यानी शिया फिरके के माने जाने वाले छठे इमाम इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिससे अहले सुन्नत को भी काफ़ी अकीदत है, अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। और ये बताने का मकसद ये है कि आप जाबिर बिन हय्यान के उस्ताद हैं। जी हाँ, आप हकदार हैं जाबिर बिन हय्यान को इल्म से रोशनास करवाने के लिए। दोस्तों, ये दौर था इस्लामिक गोल्डन एज, जिसमें लाखों मुसलमानों ने साइंस की खिदमत अंजाम दी है। इसके ऊपर आप और जानना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको एक किताब पढ़ना चाहिए, जिसका नाम है 1001 इन्वेंशंस बाय मुस्लिम्स। इसी के साथ मैं रेहान अंसारी आपसे विदा चाहता हूँ। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।